लकड़ी का हम लोगों ने बोला हुआ था मेरे भाई ने, लेकिन दरवाजे वाले ने ना बहुत बड़ा धोखा दिया है। अभी जो है ना यहाँ पे चारपाइयाँ निकाल लेती हूँ, अजान हो गई असर की। इतना ये पी सकती थी मिट्टी, उतना ही हमने इस पे पानी छोड़ा है। चारपाइयाँ जो है ना वो सारी निकाल ली और बिस्तर विस्तर सारे निकाल लिए। छींटे नहीं उड़ रही, देसी मशीन है मेरी भेड़ है, सबकी रोटियाँ माशाल्लाह लग जाएंगी। अब बड़ी बाजी का हाथ लग गया बरकत वाला। जी जी बिल्कुल, मेरी मुझे भूख लग रही है तो जल्दी से जाना मैंने इनको दे दिया है खाना। ये अपनी रोटी माशाल्लाह से जो है ना खा चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कराते रहें। ये तो इसी में एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। जी अभी जो है ना हो गया हमारी सब्जी का टाइम और सब्जी माशाल्लाह आ गई थी पालक। आज पालक ना आधी जो है ना उसमें कचरा है और आधी साबुत है, सही नहीं आज लाए पालक। और मेरे बच्चों के कपड़े जमा हो रहे थे, मैंने सारे कपड़े कपड़े बच्चों के धोए और मैं साथ साथ ना कपड़ों समेत पानी भी ऊपर भात रही। इतनी कोई गर्मी हो रही है, शदीद गर्मी, जाते जाते अपना रंग दिखा के जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे वो सावन वाला महीना होता है ना, हब इस तरह से देखें। ये पंखे लगाए हुए थे इधर दरख्त के नीचे हम लोगों ने ना, लाडो को गर्मी ज्यादा लगती क्योंकि इसको मसला है ना हार्ट का, तो इसको गर्मी लगती है। एक इसने एक लगाया भाई था, जाने लगाया था, एक मैंने लगाया, एक भैया ने लगाया था। भाई जो है ना वो बाचे पे सो रहे थे, अभी जो है ना वो किसी काम से चले गए। और ये बना रही है सब्जी और मैं भी अभी कपड़े धो के आ गई हूँ तो यहीं पे सब्जी बनवा लेती हूँ। बच्चों के यूनिफॉर्म जो है ना फिर एक एक है ना, अभी नेकी ना करें, अभी मैंने बना ली एक मुट्ठी पड़ी है देखो। आपकी अम्मी जो है ना, चलो शुक्र है अम्मा के हाथ, आपने भी बंटवा लिया अम्मा के साथ। क्या करती बहुत सारी थी अम्मा, कैसे बनाती? हाँ ये सही है सब्जी ना माशाल्लाह, ये पालक काफी सारी है ना। अभी गई हुई है कहीं अम्मा, काम बाद तो मैं ना तला चढ़ी हूं, वो बीमार रही थी, उनकी बाई में नहीं थी। अच्छा आज भी मैं नाल साथ, अम्मा ने मेहनत लगाई है हम पे के अम्मा फिर भी हमारे साथ जो है ना पालक कटवा लिए। तो पता है ये कब तक हम काटते जो नहीं, क्या करें, आपकी तो आदत है। आप काट दे रही इधर से? हाँ आप कटिंग करती नहीं हो ना इसलिए सुस्ती होती। चलो जब तक मैं जो है ना वहाँ पे आग जला के रख लेती हूँ, पानी डाल लेती हूँ, पानी ये बॉयल करने के लिए पतीला। हम लोग ना इसको बॉयल करते हैं ना फिर मंदिया चलाते हैं ना, तो माशाल्लाह जो है ना अच्छी बन जाती है पालक। तो कपड़े जब गीले होते हैं ना हवा ठंडी लगती रहती है, जब कपड़े सूख जाते हैं तो हवा ऐसी गर्म लगती है। फिर दोबारा रात को तो बहुत ज्यादा हब्स थी, नींद ही नहीं आई, लाइट कम होती है, लाइट कम, पंखे की हवा बिल्कुल लगती नहीं। जो पंखे के आगे होते वो सुकून से सोता है, हाँ। एक दो घंटे जब होती है तो वो बस वो फिर पिछला जो होता है ना वो तरसता रहता है कि हवा आग लाने दे या नहीं आने दे। आग जो है ना मैंने जलाई है थैली रख के और ऊपर जो ना तिली चटका दी है माचिस की, तो ये जल जाएगी। फिर ना मोटी लकड़ियाँ ले आती हूँ वो लगाती हूँ, ये पतली है ना ये तो ऐसे झड़क जाएंगे एक मिनट में। मोटी लकड़ियाँ ले आती हूँ वो लगा देती हूँ ताकि ना पालक बॉयल होते ताकि ना वो मोटी लकड़ियाँ जलती रहें। अभी आई थी घर, चारपाइयाँ वगैरह मैंने कहा निकाल लूँ तो पालक जब तक बॉयल हो जाएगी तब तक मैं अपने घर का काम समेट लूँ। यहाँ से झाड़ू लगाना है। वो आए थे भाई जो दरवाज़ा लगाने वाले, दरवाज़ा जो है ना लकड़ी का हम लोगों ने बोला हुआ था मेरे भाई ने, लेकिन दरवाजे वाले ने ना बहुत बड़ा धोखा दिया है। कभी कह रहा है ये हो गया तो कभी कह रहा है वो हो गया, मेरे भाई को गुस्सा आ गया। एक दफ़ा वो वापस करके आया, फिर वो लकड़ी जोड़ वाली लगाई उसने, फिर ये गया, फिर उसको दूसरा बोल गया, बस मुँह मारी हुई है। फिर ये बना बनाया जो है ना ये मजबूती वाला लेके आए, ये ऐसा नहीं है मतलब अच्छा वाला दरवाज़ा, इसको कलर कर लेंगे। चलो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना ये दरवाज़ा भी लग गया है। चले लोहे का भी सही लेकिन जो है ना मजबूत है, मतलब ये नहीं है कमज़ोर चादर नहीं, अच्छा है ये ना, तो ये भी वेल्ड हो गया ये देखें। और यहाँ से मैंने करनी है झाड़ू अभी, तो झाड़ू अभी तो नहीं करी, सामने ऐसे तपश आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए अभी जो है ना झाड़ू नहीं करी, बाद में करूँगी ठंडे टाइम। फ़िलहाल इसको जो है ना बंद कर देती हूँ। आया जो है ना चली गई है मदरसे में, वो नींद से उठी है ना उसको इतना माशाल्लाह शौक है ना कि वो कहती है मेरा स्कार्फ दो और मुझे मदरसे जाना है। हालांकि उसकी हो गई है छुट्टी मदरसे की, उसके बावजूद भी कह रही है मुझे ना मदरसे जाना, मुझे स्कार्फ दो। देख जो है ना पानी का भर के डाल दिया है
अभी जैसे ये बॉयल होगा जब तक मैं जो है ना पालक धो लेती हूँ। आग अच्छे से जल चुकी है तो ये फ़ौरन से बॉयल हो। इसमें ना इसके मतलब इसमें जोश अच्छा आता है, पतीले से बेहतर है ये देख जाना, इसलिए मैंने देख से मैं पानी भर के रखा है। आयत का ना क्या देवा, स्काफ इसका गीला था, मैं इसको लाई और स्काफ इसका उतार के रस्सी पे डाल दी, मैंने कहा सूख जाए। इसकी सहेली भी पढ़ने गई है महानूर, ये भी गई है, तायबा भी गई है, लेकिन आया जो है ना थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए ये रो रही है कि मैं सो गई थी ना तो ये दोनों पहले चली गई। आपने अपनी बीबी को उठाया नहीं था? ये क्या हो रहा है तायबा, हैं एलर्जी हो रही है? किसको? तायबा को। भैया उसको पापड़ दो, उसको एलर्जी नहीं हो रही, उसको लेज खाना है। ये देखो दोनों को देखो। तैबा तैबा एलर्जी हो रही है। मुस्तफा कह रहा है एलर्जी हो रही है। और अम्मा जो है ना यहाँ पे जो है ना मसाले बना रही हैं, आलू धो के अम्मा को दे दिए। और आज टमाटर छील नहीं रही अम्मा, ये आलू मीठे हैं, चिट्टे चिट्टे गुलाबी नहीं, कहना कहना मीठे आलू हैं ना, सट्टो वाल फायदा कह नहीं हैं तो ये तो मीठे हैं। अभी हो रही है असर की अजान और अजान सुन लेते हैं, उसके बाद अम्मा के साथ आलू छिलवाऊंगी। अभी जो है ना यहाँ पे चार पाइयाँ निकाल लेती हूँ, अजान हो गई असर की और मेरे बच्चों ने बैग आते ही ना अम्मा के घर रख दिए। ये बैग है साइम का, ये बैग साइम का और ये है हफ्सा का, यहाँ पे रखे हुए थे। ये अभी इनको काम करवाऊँगी फिर घर ले जाऊँगी। जूते भी इधर ही रखे हैं क्योंकि यहाँ से आते हैं ना सीधे सीधे तो भाग के इधर पानी वानी पीते ठंडा फिर अपने घर आते हैं। तो ये चारपाइयाँ ये निकालती हूँ और ये दो निकालनी है भाभी जान लोगों की। अभी चारपाई एक निकाली है तो बाकी रखी हुई है, ये सारी निकाल लेती हूँ पहले चारपाइयाँ। पालक जो है ना मेरी भांजी धो रही है और पानी को आ गया था जोश, पानी तो मैंने भर के रख दिया ना तो पानी को जोश आ गया। मोटी लकड़ियाँ मैंने लगा दी और मैंने फिर जो है ना मैंने कहा जब तक वो पालक अच्छे से धो लें तब तक मेरी चाय को जो है ना जोश आ जाएगा, इसलिए मैंने जो है ना इस साइड पे चाय चढ़ा दी है ताकि चाय को जोश आ जाएगा। फिर मैं उस चूल्हे पर रख दूँगी जब तक वो पालक धो के आ जाएगी तो फिर ना देख से ऊपर चढ़ा दूंगी। ये मोटी लकड़ी जो है ना अपना सुकून से जलती रहेगी, पतलियाँ जो होती हैं ना वो जल्दी से जल्दी जल जाती हैं। ये इस पे चलो देर तक पालक बॉयल होती रहेगी और ये लकड़ी भी जलती रहेगी। और जो है ना भाभी जी लोगों के पंखे चार पाइयाँ ये सीधी कर दी, लाडो सिस्टर लोगों की भी, और बाकी दो चार पाइयाँ रहेगी इनकी बहू की और इनके बेटे की, वो इधर डालनी है। पंखा एक निकाल दिया है, अभी दो पंखे और निकालने इनके, चाय पी लूँ आँख खुल जाएगी आवाज़ सेट हो जाएगी उसके बाद जो है ना फिर काम इनका कर लूँगी। और आसिफ भाई के बच्चे जो है ना वहाँ पे खेल रहे हैं, कपड़े जो है ना मैंने धो के डाले, ये अभी बॉल ना मार दें उसको। लकड़ी तो मैंने दी है, रस्सी थोड़ी सी नीचे हो गई है ना तो लकड़ी की सपोर्ट मैंने दी है इसको। आज जो है ना इस किचन में से सारी मिट्टी लेवल करके इसको अच्छे से पानी लगा दिया है, जितना ये पी सकती थी मिट्टी उतना ही हमने इस पे पानी छोड़ा है। ये कल तक इंशाल्लाह जो है ना ये अपनी जितना पानी इसको चाहिए ये सारी जम जाएगी, फिर हम जो है ना इसको गारे से इसकी लिपाई करने वाले हैं। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसकी लिपाई करूँगी, यहाँ तक ये साफ़ हो जाएगा। तो अभी जो है ना क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो जो है ना सामने ही सूरज था ना तो इसलिए इधर ना नहीं डाल सके मिट्टी। अभी हम इसमें भी मिट्टी डाल रहे हैं, इसको भी हम ऐसे करेंगे जैसे ये बनाया है ऐसे बना के रखेंगे ताकि ये जो है ना फिर शाम को गारा बना के रखेंगे मिट्टी वाला। सुबह जो है ना हम जैसे ही नाश्ता वाश्ता कर लेंगे तो अपना काम जो है ना फिर शुरू कर देंगे, ताकि जो है ना हमारा ये काम कम्प्लीट होगा तो फिर हम वो तूड़ी वाला गारा बना के रात को रखेंगे। इसका लेवर जो है ना अभी यहाँ तक इसको इसके अंदर मिट्टी आएगी, ये जो ईंट आपको नज़र आ रही है यहाँ तक इधर जो है ना समझ लें ये इधर मिट्टी वट्टी डालेंगे हम, इसका जो है ना बराबर करेंगे फिर ये चीज़ इसको सारी जो है ना इधर को लेवल करेंगे सारा। चार पाइयाँ जो है ना वो सारी निकाल ली और बिस्तर विस्तर सारे निकाल लिए और जो है ना कूलर इधर थली बनाई है ईंटों की, यहाँ पर कूलर रखे लेकिन कूलर ना अभी बनाना है पानी का, इसको बनाते हैं। और जब तक ना मैं इनके साथ मिलके ये अपना काम कर लूँ ना
ये देखें इतना ज़्यादा फर्श जो है ना वो ऊपर है और ये नीचे, मुझे चारपाई निकालने में ना बहुत मुश्किल होती है। देखें ये किनारा जो है ना, ये चारपाई लगती है तो ये टूट गया। मैं सोच रही हूँ एक स्टेप इधर बनवा लूँ ना, सीढ़ी जैसे होती है, ताकि चारपाई अंदर डालूँगी बाहर निकालूँगी तो मुश्किल नहीं होगी। अभी यहाँ पे लग रही है रोटी और मैं आटा लेके आती हूँ। आटा जो है ना थोड़ा सा गूंद के रखा है तो वो जो है ना लेके आती हूँ। जब तक ये लोग लगा लेंगे, भाभी जान लोग, तो उसके बाद जो है ना फिर मैं भी लगा लूँगी अगर लगी तो, वरना बाजी और मुझे ना दोबारा जलाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगती ये रोटियाँ अब लगेंगी सबकी, है ना, लग जाएंगी। चलो खैर कोई बात नहीं, जला लेंगे, लकड़ियाँ तो रखी हुई हैं, आप लगा लें, उसके बाद जो है ना फिर हम जाना लकड़ियाँ और डाल लेंगे। सही, बड़ी बाजी ने भी तो अभी लगानी है ना। हाँ जी, तो देखें माशाल्लाह सूरज भर हुआ। नंद और भाभी देख से के ऊपर चढ़ गई है, सारा वजन इसके ऊपर दे दिया है। देखो छींटे नहीं उड़ रहे, देसी मशीन है मेरी भेण है, चढ़ के मुंडड़ा मार रहा है। हाँ ये सही आ गई। हाँ जी चल बस सही, आलूओं को ना वहाँ पे भुनाई हो रही है। हाँ। बिल्कुल तीन चार दिन चल जाता है रोटी ना, बंदा रज के खाता है और साग खराब नहीं होता, सुबह शाम अपने सुकून के साथ। और यहाँ पे ना मैंने चढ़ा दिया है आयत और तैबा का दूध, और इधर हो रही है आलू की भुनाई। यहाँ पे ना ये रेत जो है ना अच्छी खासी डाल दी, और ये साइड रह गई है, अब इसको छोड़ दी। शाम हो गई है, खाने का टाइम हो गया है, पालक तो वहीं पे तड़का लगा रहे हैं, और मैं जो है ना बड़ी बाजी ने दोबारा से जलाया तंदूर। यहाँ पे सारी जो है ना एक बराबर हो गई मिट्टी, बड़ी बाजी ने तंदूर जलाया, तो चल के ना रोटियाँ लगा लेती हूँ। हफ्सा को इधर ही बिठा दिया, ये देखें ये अब माशाल्लाह ये बराबर हो गया, लेकिन इसका मिट्टी का छिड़काव जो है ना वो लाजमी करूँगी, क्योंकि रेत अंदर जाती है ना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए दरवाज़े मैंने बंद किए। तो पहले जाके ना रोटी लगा लेते हैं। तंदूर ना बाजी ने जलाया है दोबारा, और अब हम जिन जिन की रोटियां लगेंगी लगाएंगे। लाडो सिस्टर की वो आती है नंद, उसकी लगेंगी, मेरी हैं, बड़ी बाजी की हैं, सबकी रोटियाँ माशाल्लाह लग जाएंगी। अब बड़ी बाजी का हाथ लग गया बरकत वाला। जी जी बिल्कुल, बरकत वाला हाथ है ना, अब इंशाल्लाह सबकी रोटियां लगेंगी। हाँ। पहले रोटियां जो मैं देख के गई थी, सेक बिल्कुल भी नहीं था, मुझे यही लग रहा था कि नहीं लगेंगी रोटी, मगरब होगी, लाइट नहीं जलाई अभी मस्जिद की, जब इस टाइम पे लाइटें जलती हैं बहुत दिल खुश होता है और अच्छी भी लगती है ना। जी शाम हो गई है, रोटियाँ भी मैंने लगा ली थी, और जो है ना सालन जो था ना पालक एक ही जगह पर बना लिया था, तो इसीलिए जो है ना अभी लेके आई सालन। हफ्सा को लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, जैसे मदरसे से आई है ना तो इसको कह रही मुझे भूख लग रही है, तो जल्दी से जो है ना मैंने इनको दे दिया है खाना। ये अपनी रोटी माशाल्लाह से जो है ना खा चुकी है। साइम और मुस्तफ़ा एक साथ खा रहे हैं वहीं पे नानी के घर पे, और हम जो है ना अपना खाना लेके सालन ले आई हूँ, और रोटी जो है ना मैंने बना ली है। ये देखे माशाल्लाह रोटी जो है ना आज बड़ी बाजी ने मुझे लगा के दी है, बहुत ज़बरदस्त वाली रोटी। क्या हुआ आयत को आ रही नींद, एक तो इसने ना वो कोई चैन थी वो उठाई है पहन ली है, वो गर्मी की वजह से ना इसको थोड़ा सा ना रैशेस जैसे हो गया, अभी मैंने तेल लगाई है हाथ भी नहीं लगाने दे रही, इसको वहम हो रहा है। अब कह रही अम्मी मैं सोऊंगी कैसे, ये ऐसे चुप चुप बैठी हुई है, तो बस अभी इसको भी बिला के थोड़ा सा खाना खिलाती हूँ, क्योंकि रोटी जो है ना रोटी के साथ अनाज के साथ कुछ नहीं मिलता, भले बंदा 100 चीज़ भी खा ले। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी आपको पसंद ही होगी, अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।